गाइस फाइनली वी हैव रीच टू द आनंद विहार। यहाँ पे स्टेशन से कुछ 2 किलोमीटर के नज़दीक था और हमने ई पास करवा लिया था, लेकिन अभी रूम बुक करवाना थोड़ा बाकी था, तो हार्दिक गया है वहाँ पे रूम बुक करवाने के लिए। और यहाँ पे अगर आप आओ तो ई पास पहले करवा लेना, वो ऑनलाइन ही प्रोसेस है उसकी। गाइस फाइनली हम यहाँ पे आनंद निवास में, एक्चुअली हम पहले गए थे आनंद विहार में, लेकिन वहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसा सीन है कि मतलब वहाँ पे अभी कुछ आधा से ज़्यादा पब्लिक को क्वारंटाइन किया हुआ है और कुछ फैमिली को ही वहाँ पे अलाउड है, तो हम लोग को वहाँ पे जगह नहीं मिली। तो हम दूसरी जगह गए थे तो वहाँ पे भी कुछ अच्छा रेट्स नहीं था और ऐसा कुछ था नहीं, रूम भी अच्छे नहीं थे। तो फाइनली हम यहाँ पे आनंद निवास में आए हैं, दोस्त ने दिखाया और आप देख सकते हो कि कितना खूबसूरत है ये जगह पे, वर्ल्ड हिट है यहाँ पे आना और बहुत ही मजा आने वाला है। सो गाइज हम रूम पे आ चुके हैं, अब आपको रूम टूर करवा लेते हैं। ये रहा हमारा रूम जो बहुत ही बढ़िया है, आगे शायद बालकनी भी है, यहाँ पे वॉशिंग एरिया, सो थोड़ा सा फ्री हो जाता हूँ फिर मैं आपको मिलता हूँ। ठंडे पानी से नहा के कैसा लगा? बस मजा आई। कल सुबह में पता चलेगा हमें कि हमारा क्या हाल होने वाला है, पर ऐसे सुबह में तो गर्म पानी आता है इसलिए मतलब टेंशन नहीं है, लेकिन अभी ठंडे पानी से नहा के इतने फ्रेश हो गए हैं कि बाद में वापस से फुल एनर्जी आ गई और बाहर जाके फुल पचाना है। गाइस यहाँ पे आने के बाद मेरा जो माइक है पूरी तरह से अच्छे से काम करता हो गया है, सो आई एम सो हैप्पी कि मेरी पूरी ट्रिप बिगड़ने नहीं वाली इस माइक की वजह से, और आगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। अभी तो पूरा दिन, आधा दिन बचा हुआ है और कल का पूरा दिन बचा हुआ है, मचाने वाले हैं। और ये रहे हार्दिक भाई भी तैयार हो चुके हैं, हम भी तैयार हो चुके हैं, ठंडे पानी से नहाने के बाद पूरी तरह फ्रेश हो गई। आप क्या कहना चाहोगे, आपको ठंडे पानी से नहा के कैसा लगा? नहीं मेरे को तो आदत है इसलिए कोई दिक्कत नहीं पड़ी, अभी इनको बोला जिनको आदत नहीं उन लोगों को मजा आएगा, बेस्ट ऑफ लक नहाने में। अच्छा हुआ सुबह में तो गर्म पानी आता है वरना तो हालत खराब हो जाती। हाँ सुबह में 6 से 8 आता है। लेकिन गाइस सबसे मेन बात, हमने चाय ही नहीं पिया पूरा दिन में, अब जाके चाय पियेंगे पहले, तो सबसे पहले चीज तो वही जरूरी है। हाँ बस चाय पियेंगे हमारे ग्रुप में तो 2-3 जन चाय के लिए इतने तड़प रहे ना अभी पीने के लिए।
तो खाने की बात करें, खाने की बात में खाना तो इतना मस्त मजा आ गया। वो मतलब बोलते हैं ना पट्टे पे खाना देते हैं, फिर वो मतलब पूरी पट्टे की डिश थी उस पे खाना खाने की मजा जो आ गई, मतलब प्योर ऑथेंटिक खाना था, वेज का खाना था, बहुत मजा आ गया राइस और वो सब चीज खाने की, और बाद में आने के बाद फ्रेश हो गए। मच नीडेड टी ब्रेक, अब इसके बाद आगे जाके एक्सप्लोर करेंगे, पहले चाय ब्रेक खत्म करते हैं। सो गाइस फाइनली हमारा पहला दिन खत्म हो गया शेगांव ट्रिप का, आपको सीधा रूम पे जाके मिलते हैं, बाद में पूरा डिस्कस करते हैं। सो गाइस हमारी शेगांव ट्रिप का फर्स्ट डे आज समाप्त होता है, और आज का वीडियो भी यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगला वीडियो मैं कल बनाऊंगा, तो आपको कल वीडियो में मिलते हैं। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एज ऑलवेज स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। सो गाइस फाइनली हम यहाँ पे आ गए, तो नाम चला नाम से आनंद निवास, चलो आनंद निवास से आनंद निवास। तो गाइस अभी 3 बजे, अभी थोड़ा रिलैक्स होंगे, आराम करेंगे, फ्रेश भी होना है, तो पहले हम आराम कर लेते, फ्रेश करते, फिर फ्रेश हो जाते, फिर शाम को आपको मिलते हैं।